नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप हडीफाइंड ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे और अपने स्मार्ट वॉच के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। चाहे आपका स्मार्ट वॉच अल्ट्रा स्मार्ट वॉच हो या फिर हडीफाइंड का स्मार्ट वॉच हो, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हडीफाइंड ऐप में कनेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स टाइम अपने आप ही सही हो जाता है। उसके बाद उसमें आप फोटो लगा सकते हैं, कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं और भी बहुत सारी सेटिंग है जिसके बारे में मैं आपको बताया हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्यूआर कोड देखिए, स्कैन क्यूआर कोड लिंक, तो यहाँ पे क्लिक करके आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। तो चलिए अपने मोबाइल में इसको स्कैन करते हैं। दोस्तों, दो तरीके हैं स्कैन करने के भी। आपके अगर फोन में कैमरा अलाउ करता है स्कैन करने के लिए तो आप इसके जरिए भी स्कैन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके सामने यहाँ पे लिंक आ जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके फोन में कैमरा अलाउ नहीं कर रहा है तो सिंपली आपको क्या करना है कि अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक कैमरा का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है कैमरे वाले पे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप जब आप स्कैन कीजिएगा इसको, आपको वो लिंक प्रोवाइड कर देगा और सिंपली आपको यहाँ पे स्कैन कर लेना है। आप जैसे ही स्कैन करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो ऐप है वो खुल के आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स दो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर लोकल डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें, ताकि प्ले स्टोर से किए हुए ऐप सेफ होते हैं और लोकल आप डायरेक्टली अपने फोन में तो इंस्टॉल करते हैं तो उससे खतरा हो सकता है आपको। तो यहाँ पे सिंपली आपको प्ले स्टोर पे क्लिक करना है और आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे ऐप पे। तो मैंने इसको पहले से इंस्टॉल करके रखा है ताकि वीडियो बनाने में आसानी हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको सिंपली ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे परमिशंस आपको सारे अलाउ करने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अलाउ कर देते हैं नोटिफिकेशन, और यहाँ पे यूजर प्राइवेसी को भी एग्री कर देना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सारे एक्टिविटीज ट्रैक करने के लिए अलाउ करने के लिए बोल रहा है, कॉन्टैक्ट, फाइल मैनेजर, फोटो, एसएमएस, सब कुछ यहाँ पे अलाउ करने के लिए बोल रहा है, तो सबको अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आपको साइन इन नहीं करना है, आप यहाँ से डायरेक्टली भी लॉग इन कर सकते हैं। तो लॉग इन डायरेक्टली पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाते हैं और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर और पासवर्ड मिल जाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर यहाँ पे रिकमेंड करता है कि आप स्क्रीनशॉट ही ले लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है और इसको ओके पे सिंपली क्लिक कर देते हैं। ये स्मार्ट वॉच अगर आपका यहाँ पे जल्दी जल्दी से बंद हो जा रहा है तो इसको आप कर सकते हैं सेटिंग में जाके इसको 60 सेकंड पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे स्क्रीन टाइमिंग पे क्लिक करके और यहाँ पे मैं इसको स्क्रीन टाइमिंग को 60 सेकंड अगर कर देता हूँ तो इसको आप 60 सेकंड तक स्क्रीन को ऑन रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको कर दिया कि ताकि स्क्रीन को ऑन रखा जा सके, थोड़ी देर वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद फ्रेंड्स आपको इसको ऑन कर देना है। तो ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स बोल रहा है कि आप पासवर्ड को अच्छी तरह से सेव कर लिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो माय इन्फॉर्मेशन में छोटा सा सेटअप आपको करना होगा। यहाँ पे जो निक नेम है, यहाँ से आपको निक नेम में अपना नाम डालना होगा जो 4 से 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एस के सिंह डाल लेता हूँ, 4 लेटर से ज़्यादा और 20 लेटर तक यहाँ पे होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको डाल लिया है। इसके सिंक चेंज कर सकते हैं मेल फीमेल, आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, लेंथ, हाइट, वेथ। सिस्टम यूनिट को फ्रेंड्स हम मीट्रिक में ही रहने देंगे यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये छोटा सा प्रोफाइल आपको सेटअप कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली ओके पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ओके पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो सेट सक्सेसफुल हो जाता है आपको। और यहाँ पे बैकग्राउंड में रनिंग करने के लिए बोल रहा है, योर फोन बैकग्राउंड रनिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम यहाँ पे रनिंग में, बैकग्राउंड रनिंग में नहीं डालेंगे, यहाँ से आपको बैक जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। बैक जाने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स नोटिफिकेशन को अलाउ करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे गो टू सेट पे आप जाएंगे और जाके नोटिफिकेशन में सीधे आप अपने ऐप का नोटिफिकेशन जो है ऑन कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे अलाउ कर देंगे तो आपका जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे अलाउ हो जाता है। तो आपके फोन में से जो नोटिफिकेशन है आपके स्मार्ट वॉच में आने लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे फाइनली इंटरफेस यहाँ पे खुल के आ जाता है।
हेल्थ में आप चेक कर सकते हैं कितना किलोमीटर आप रनिंग किए हैं, कितना स्टेप यहाँ पे चले हैं, सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डाटा का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप डाटा चेक कर सकते हैं अपने फ़ोन से कि क्या आप डिवाइस स्टेप क्या है, स्लीप आपका क्या है। जब आप इसको ऑन करके रखिएगा, ब्लड प्रेशर क्या है, इसका डाटा यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे वीकली, मंथली, ईयरली आप कुछ भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर मिल जाता है आपको स्पॉट, तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि आप बाइक रनिंग या फिर आउटडोर रनिंग या फिर वॉक, यहाँ पे जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद दोस्तों आपको मिल जाता है माइक ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सर्च डिवाइस पे आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ से इस घड़ी को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ से यहाँ पे भी क्लिक करके ये इसको कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मी पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च डिवाइस पे क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं सर्च डिवाइस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स हमको परमिशन से ब्लूटूथ का जो है अलाउ करने के लिए बोल रहा है, तो अलाउ पे क्लिक करेंगे। और परमिशन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लोकेशन का परमिशन है आपको दे देना है। ठीक है फ्रेंड्स, और कैमरा का भी परमिशन दे देना है ताकि आप जब यहाँ पे फोटो क्लिक कर सके अपने स्मार्ट वॉच से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये परमिशन बाकी था, तो यहाँ पे इसको परमिशन हमने दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, परमिशन देने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे डिवाइस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन हो गया है आपका। और यहाँ पे क्या बोल रहा है लोकेशन ऑन करने के लिए, तो सिंपली इसको लोकेशन ऑन कर देते हैं। लोकेशन ऑन कर देंगे तो यहाँ पे ट्रैक करने में आपको आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स आप ब्लूटूथ पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका डिवाइस सर्च में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अल्ट्राइट सर्च में आ गया है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये कुछ इस तरह से खुल जाएगा और यहाँ पे आपका डिवाइस कनेक्ट होने लग जाएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो अपने डिवाइस पे कनेक्टिंग लिख के यहाँ पे आ गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। आप अपने स्मार्ट वॉच का यहाँ पे कनेक्टिंग फेल्ड किस लिए हो गया था, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्लूटूथ को ऑन नहीं किया था, तो ब्लूटूथ को ऑन करके रखना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, और तभी यहाँ पे ये कनेक्ट हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कनेक्टिंग फेल्ड इसीलिए हो गया था। यहाँ पे आप डिवाइस कनेक्टेड सक्सेसफुली लिख के आ गया है और यहाँ पे फिर से कुछ परमिशंस मांग रहा है, तो इसको यहाँ पे व्यू करके देख लेते हैं कि क्या परमिशंस मांग रहा है। तो यही बैकग्राउंड में रनिंग के लिए मांग रहा है, तो बैकग्राउंड में रनिंग के लिए हम परमिशंस इसको नहीं देने वाले हैं, तो यहाँ से हम बैक चले गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है यहाँ पे आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, आप अपना फोटो लगा सकते हैं, कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हैं, डायल सेव कर सकते हैं, या फिर आप स्टेप यहाँ पे सारे कुछ थीम्स। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डिवाइस सेटिंग में क्लिक करना होगा। डिवाइस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे फाइंड डिवाइस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ये जो घड़ी है वाइब्रेट करेगा, देखिए, और यहाँ पे बताएगा कि मैं यहाँ पे हूँ, अगर आप जल्दी से इसको खोजना चाहते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसके जरिए भी खोज सकते हैं या फिर आप घड़ी के जरिए भी फोन को खोज सकते हैं जब ये कनेक्ट रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे मैसेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारे मैसेज को आप यहाँ पे जिसका जिसका मैसेज आप चाहते हैं कि हमारे स्मार्ट वॉच पे आए, तो यहाँ पे इसको ऑन रखिएगा, बाकी सबको ऑफ कर सकते हैं आप। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे सेट सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसमें आप बहुत सारे सेटिंग्स देख सकते हैं। सारे सेटिंग्स यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पावर सेविंग मोड को भी आप ऑन कर सकते हैं ताकि आप घड़ी का जो बैटरी है बहुत स्लोली खत्म हो, जल्दी से खत्म ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पे अपना फोटो वॉलपेपर पे कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डायल पे क्लिक करना है। डायल पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको चले जाना है नीचे, यहाँ पे कैमरे का जो ऑप्शन है ये इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका अपना फोटो आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट पिक्चर पे आप क्लिक कीजिएगा। सिलेक्ट पिक्चर पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट पिक्चर पे आप फिर से क्लिक कीजिएगा तो आप अपने चले जाइएगा फोन में। चलिए यहाँ से एक फोटो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टिक लगा देना है और नीचे यहाँ पे कम्प्लीट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, आप कितना लगाना चाहते हैं। एडजस्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सही पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो टाइमिंग शो हो रहा है उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये जो टाइमिंग यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे मैं इसको लगाना चाहता हूँ। साथ ही साथ इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ब्लैक कलर का या फिर ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, तो यहाँ पे मैं ब्लैक इसको रखने वाला हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे सही पे टिक लगाएंगे,
सही पे टिक लगाने के बाद फ्रेंड्स आप फिर से अगर यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आप डेट यहाँ पे देखना चाहते हैं या फिर हार्ट रेट देखना चाहते हैं उसके साथ, यहाँ पे जो नीचे शो कर रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो देखना चाहते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पे डेट ही सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि डेट ही मुझे देखना है, टाइम और डेट, और ऊपर स्टेप आपको शो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब कर लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव एंड यूज पे क्लिक कर देना है। यूज करने के बाद फ्रेंड्स ये आप अपलोड हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपके वॉच में भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप अपने स्मार्ट वॉच में भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जल्दी से अपलोड हो जाएगा, 100% होते ही आपका जो है ये फोटो आपके स्मार्ट वॉच में शो करने लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्मार्ट वॉच में फोटो यहाँ पे सेट हो गया है और काफी क्लियरली फोटो यहाँ पे सेट हुआ है। फायरबॉट की तरह नहीं है, यहाँ पे धुंधला फोटो नहीं आ रहा है, ये HD डिस्प्ले है तो काफी अच्छी तरह से यहाँ पे सेट हुआ है। तो इस तरीके से आप इसके सारे सेटिंग्स का यूज कर सकते हैं और इसका अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।